हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल हेल्थ के एक स्पेसिफिक एपिसोड वीडियो में। मेरा नाम है लखन चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मोस्टली हॉस्पिटल्स में सेफ्टी को कंसिडर करके कोड्स बनाए जाते हैं। हर एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोड तो रहता ही रहता है। आज इस वीडियो में हम आपको सभी कोड्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। एज ए कस्टमर, एज ए पेशेंट, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और साथ ही हॉस्पिटल्स में काम करने वाले सभी स्टाफ्स के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कोड्स के बारे में जानना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इन कोड्स के बारे में जानना। लेकिन यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, नीचे जो वीडियो के लाल कलर का बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आप मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंसी कोड्स। यहाँ पे दोस्तों, इमरजेंसी कोड्स हर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में रहते ही रहते हैं। बट हाँ, इन कोड्स को एक्टिवेट करने के जो मेथड्स होते हैं वो कहीं भी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ वहाँ किस टाइप से इमरजेंसी कोड्स को एक्टिवेट किया जाता है। दोस्तों, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ लाउड स्पीकर में कोड अनाउंस किया जाता है। बहुत सी जगहों पर हर एक डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कॉल की जाती है अगर कोई कोड एक्टिवेट किया जाता है तो। लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे लाउड स्पीकर में अनाउंस किया जाता है। तो दोस्तों, एक्टिवेशन का मेथड अलग अलग हो सकता है, बट जो मेथड का साइन बोर्ड रहेगा वो किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे वो आपको इमरजेंसी कोड्स का एक ही बोर्ड देखेगा, उस पर सभी कोड्स लिखे होंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सभी कोड्स के बारे में कलर बेसिस पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कोड, सभी कोड्स के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो कोड है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड होता है, वो होता है कोड ब्लू। और कोड ब्लू सभी हॉस्पिटल्स में कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है कि जैसे पेशेंट्स में हॉस्पिटल के अंदर मैनी टाइप्स के पेशेंट्स होते हैं, कुछ इन पेशेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी एडमिट होते हैं, और कुछ आउट पेशेंट्स होते हैं। अब आउट पेशेंट्स में जो जितने भी पेशेंट्स आए होते हैं वो किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए आए हुए होते हैं, और बाय चांस वो चलते चलते अनकॉन्शियस हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। तो यही सारी कार्डियक अरेस्ट के अंदर ये सारी कंडीशंस आती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो वहाँ पे उसके साथ में रिलेटिव्स होंगे या फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ होगा वो वहाँ पे देखेगा तो इस और पूरे उस कंडीशन को एनालाइज करेगा, और देन फिर वो कोड ब्लू अनाउंस करता है। और कोड ब्लू अनाउंस होने के बाद क्या होता है कि जो मेडिकल टीम होगी वो अपनी नेसेसरी किट के साथ में वो स्पॉट पे तुरंत पहुंचेगी और वहां पे जाके पेशेंट को देखती है और कंडीशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। इसके बाद होता है हमारा सेकेंड नंबर पर होता है कोड रेड। कोड रेड दोस्तों बेसिकली फायर के लिए होता है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो कोड रेड जो होता है वो फायर के लिए होता है, और फायर मतलब कि आग, यानी कि हॉस्पिटल प्रेमिसिस के अंदर कहीं भी अगर आग लग जाती है तो कोड रेड अनाउंस किया जाता है। अगर दोस्तों आपको कोड इन कोड्स के बारे में नहीं पता है और आप अपने किसी रिलेटिव्स के साथ में हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ पे कोड रेड अनाउंस होता है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कोड किस लिए अनाउंस किया गया है। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नॉलेज होगी कि कोड रेड किस लिए अनाउंस किया गया है, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल में कहीं आग लगी है और आप तुरंत एग्जिट डोर की तरफ रनिंग करेंगे। तो कोड रेड होता है फायर के लिए। अब कोड जैसे ही रेड अनाउंस होता है तो हॉस्पिटल के अंदर जो फायर टीम होती है, जो फायर फाइटर्स होते हैं, वो तुरंत स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनको लोकेशन दी जाती है, कोड रेड अनाउंस किया जाता है, तो वो तुरंत वहाँ पर जाके फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें दूसरी कंडीशन ये भी होती है, अगर बाय चांस फायर बहुत ही ज़्यादा है तो तब फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाया जाता है।
तो दोस्तों इसके बाद है हमारा 30 नंबर का कोड जो है वो होता है पिंक। कोड पिंक होता है बेसिकली चाइल्ड एब्डक्शन के लिए। अब चाइल्ड एब्डक्शन क्या है, चाइल्ड एब्डक्शन या चाइल्ड किडनैपिंग दोस्तों हॉस्पिटल्स के अंदर NICU, PICU और गायनी वार्ड जैसे रूम्स होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे बेबीज को रखा जाता है। और जब बच्चों को रखा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे बच्चों की किडनैपिंग होने के चांसेस भी होते हैं। और बहुत से लोग क्या काम करते हैं हॉस्पिटल्स में किसी के रिलेटिव्स के साथ में देखने के लिए, या फिर कुछ इसी गलत इंटेंशन से आते हैं कि वहाँ पे बच्चों को हम किडनैप करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक कोड रखा जाता है, कोड पिंक। जैसे ही पता चलता है कि यहाँ से बच्चा कोई किडनैप किया गया है या बच्चे को यहाँ से मिस किया गया है, तो तुरंत कोड पिंक अनाउंस किया जाता है। और उस दौरान इसमें सिक्योरिटी का रोल बहुत ही अहम होता है। सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं या सिक्योरिटी टीम होती है वो तुरंत हॉस्पिटल प्रेमिसिस से बाहर जाने वाले सभी एग्जिट डोर को क्लोज कर देते हैं और पूरे मामले की तहकीकात की जाती है और जो किडनैपर होता है उसको पकड़ा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो हमारा कोड होगा वो होता है कोड वॉयलेट। कोड वॉयलेट जो है वो होता है वॉयलेंस के लिए। अब दोस्तों वॉयलेंस हॉस्पिटल है तो वॉयलेंस ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान कोई पेशेंट अगर डेथ कर जाता है तो उसके साथ में होने वाले रिलेटिव्स, उसके अटेंडर्स तुरंत वॉयलेंस करना शुरू कर देते हैं, वो हिंसा करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ में मारपीट या मेडिकल स्टाफ के साथ में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन होने पे कोड वॉयलेट अनाउंस किया जाता है और कोड वॉयलेट जैसे ही अनाउंस होगा तो तुरंत जो हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, जो बाउंसर्स होते हैं या सिक्योरिटी टीम जो होती है, वो तुरंत स्पॉट पे पहुंचते हैं और सबसे प्रायोरिटी बेस पे पहले वो डॉक्टर्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर को सेफ करते हैं। देन जो बंदा वहाँ पे वॉयलेंस कर रहा है और ऐसी हिंसा कर रहा है, जो मारपीट कर रहा है बंदा, उसको हॉस्पिटल प्रेमिसिस से बाहर किया जाता है। इसके बाद जो होता है हमारा नेक्स्ट जो कोड है वो कोड ब्लैक। कोड ब्लैक क्या होता है, कोड ब्लैक होता है बेसिकली बॉम्ब थ्रेट्स के लिए। बॉम्ब थ्रेट्स क्या होता है दोस्तों, ये जो कोड ब्लैक होता है ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ हो या नॉन मेडिकल हो या पेशेंट हो या पेशेंट्स के साथ में कोई भी रिलेटिव्स हो, अगर उनको हॉस्पिटल्स एरिया के अंदर कोई भी बॉम्ब या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन सेंटर में इन्फॉर्म करना है या कोई भी मेडिकल पर्सन हो उसको इन्फॉर्म करना है और तुरंत बॉम्ब के बारे में बताना है। और जहाँ पे बॉम्ब लगा होगा तुरंत स्पॉट पे जो मेडिकल बॉम्ब थ्रेट टीम होती है वो तुरंत पहुँचती है और सिचुएशन को हैंडल करती है और हॉस्पिटल के अंदर होने वाले सभी पब्लिक की पहले वो सेफ्टी को सिक्योर करती हैं। इसके बाद जो हमारा कोड होगा वो होगा कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज क्या होता है दोस्तों, कोड ऑरेंज बेसिकली स्पिल के लिए होता है। स्पिल मीन्स कुछ भी चीज़ का फैल जाना। हॉस्पिटल में कोई भी हैजार्डस केमिकल, कोई भी फ्लूड या फिर किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल फैल जाना, उस कंडीशन में क्या होता है अगर ऐसे ही फ्लोर पे कोई चीज़ें फैली हुई हैं तो कोई भी उसके ऊपर से निकलेगा और उस इन्फेक्शन को दूर दूर तक फैला देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए एक कोड बनाया गया है, वो होता है कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज अनाउंस होने पर जो स्पिल मैनेजमेंट की टीम होती है वो तुरंत स्पॉट पर पहुँचती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। इसके बाद जो कोड होता है दोस्तों वो होता है कोड येलो। कोड येलो क्या है, कोड येलो यूनिवर्सल डिजास्टर के लिए बनाया जाता है। यूनिवर्सल डिजास्टर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो होने वाली चीज़ें होती हैं वो तो उस हॉस्पिटल के एक्टिविटी में आती है, बट जो हॉस्पिटल से बाहर जो यूनिवर्सल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, भूकंप का आना या फिर सडनली किसी एक्सीडेंट का होना, एक बिगला स्केल पे एक्सीडेंट का होना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर एकदम से सडनली बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट करने पड़ सकते हैं और बहुत बड़ी जो वो है बहुत बड़ी अमाउंट में पेशेंट्स आ सकते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, कोड येलो अनाउंस किया जाता है, उसमें सारे मेडिकल स्टाफ को एकदम अलर्ट होना पड़ता है कि कहीं पे अगर हॉस्पिटल्स के आसपास या उससे थोड़ी दूरी पे कहीं पे आग लगी है या एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई बिल्डिंग गिर गई है या फिर अर्थक्वेक से कुछ घटनाएं हुई हैं
तो वहाँ पे पेशेंट्स के आने की संभावनाएं हैं, तो उसके लिए पहले ही ऑलरेडी रेडी होना पड़ता है। ये होता है कोड येलो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक कोड्स की डिटेल्स आपको बताई है, आपसे शेयर की है। और दोस्तों अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है और आपको मेरी वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्थ चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी ऐसी आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।